आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल में शांति मिले। दोस्तों, आज का विषय है मसीह में अपना उद्देश्य जाना। वचन देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6:10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु की स्तुति हो क्योंकि वो भला है। दोस्तों, एक विश्वासी का उद्देश्य संसार में परमेश्वर के राज्य को लाना है, परंतु आज अधिकतर प्रचारक पास्टर सांसारिक मोहमाया में फंसकर मसीह में अपना उद्देश्य भूल गए हैं। उनका अलग अलग उद्देश्य है, दर्शन है, किसी का अपने राज्य में सबसे बड़ा चर्च बिल्डिंग बनवाना, किसी का सबसे बड़ी आराधना टीम बनवाना, तो किसी का संसार में कोने कोने में अपनी चर्च का निर्माण करना। दोस्तों, मैं बहुत से प्रचारकों से भेंट करता हूँ, उन सब का अपना अपना दर्शन है। अधिकतर प्रचारों का दर्शन बड़ी बिल्डिंग बनवाना है। दोस्तों, मैं भी एक प्रचारक हूँ, परंतु मेरा उद्देश्य इस संसार में चर्च बिल्डिंग बनवाना नहीं, परंतु इस संसार में परमेश्वर के राज्य को लाना, भटके हुए लोगों को परमेश्वर से मिलवाना, अपने ही समान और लोगों को तैयार करना। क्योंकि फर्क इससे नहीं पड़ता कि एक कलीसिया में कितनी भीड़ है, परंतु फर्क इससे पड़ता है इस कलीसिया के कितने विश्वासी प्रतिदिन परमेश्वर के कार्य को करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 15:8 आयत, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। दोस्तों, जब आप भटके हुए लोगों को मेल मिलाप परमेश्वर से कराते हैं, तब स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। इसलिए मसीह में अपना उद्देश्य जाने और अंधकार में पड़े लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।